हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल SS15। तो जो बजाज फिनसर ऐप है उसमें EMI कार्ड मिलता है। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि वॉलेट टू बैंक या EMI कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र कैसे करें अमाउंट को बजाज फिनसर ऐप से। तो होगा कि नहीं होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर होगा अभी तो किस प्रोसेस से होगा वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो EMI कार्ड होता है उसमें आपको क्या क्या दिखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। EMI कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। EMI कार्ड ऊपर में है, नंबर नीचे जो कि व्यू करने पर दिखाई देता है। तो सबसे पहला प्रोसेस वो क्या करते हैं, मूवी क्विक को बताते हैं कि बजाज फिनसर से पार्टनरशिप में है वो, तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उसके जैसा एक एप्लीकेशन है फैमपे का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो फैमपे पे अकाउंट बनाने के लिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है, एड मनी पे जाएंगे। यहाँ पर ऊपर में जो एड मनी आएगा इसमें जाएंगे एंड यहाँ पर मैं 100 रुपीज़ ऐड कर लेता हूँ। 100 रुपीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पर एड मनी परमिशन मांग रहा है, फिंगरप्रिंट यहाँ पर दे देते हैं। अभी फिंगरप्रिंट देने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि ऐड मतलब कि वीज़ा क्रेडिट डेबिट जो भी है उसमें जाना कार्ड ऐड करने के लिए। तो कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड जो कार्ड पे है नेम, एंड एक्सपायरी डेट आप डाल दोगे। लेकिन यहाँ पर CVV आपको कहाँ पर मिलेगा उसमें तो है नहीं, तो ये प्रोसेस भी गलत है, इससे आपको नहीं होता है। ठीक, फिर दूसरा वो क्या दिखाते हैं कि फ़ोनपे पे जाऊँ। ठीक है, तो फ़ोनपे नहीं है मेरे पास, मेरे पास है पेटीएम, तो पेटीएम पे जाएंगे। पेटीएम पे जाने के बाद यहाँ पर वो सर्च करते हैं रेंट। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ रेंट पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है रेंट का ऑप्शन। यहाँ पर मेरे पास पहले से ऐड हो चुका है अकाउंट न्यू पे। अगर आपको ऐड करना है तो नीचे ऐड न्यू पे टैप करने के बाद मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, UPI जो भी चाहो वो आप ऐड कर लेना। मैं यहाँ पर सिंपल सा अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अभी प्रोसीड टू पे। अभी यहाँ पर नीचे में जाना है, एकदम नीचे यहाँ पर आ चुका है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इस पर टैप करेंगे। वही सेम डिटेल, CVV तो है नहीं, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो अभी आपको वो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे को। तो दोस्तों, जो बजाज फिनसर ऐप है उसमें आपको एक EMI कार्ड मिलता है। ठीक है, तो उस EMI कार्ड से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बाय करते हो तो उसका एक EMI मतलब कि एक लोन आपको मिलता है उस प्राइस के रेंज से। ठीक है, आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है एंड लोन आपको EMI के रूप से देना पड़ता है। ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ उसका जो पे आउट लिमिट है वो सेट होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।